हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाने सीखेंगे जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे तुम किसी काम के नहीं हो, यह टूटी हुई कुर्सी किसी काम की नहीं है, यह फ़ोन किसी काम का नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब, देन हम एक फ्रेज़ यूज़ करेंगे गुड फॉर नथिंग। तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग। यह टूटा हुआ फ़ोन किसी काम का नहीं है, दिस ब्रोकन फ़ोन इज़ गुड फॉर नथिंग। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप के सेंटेंसेस देख लेते हैं। इस टाइप के सेंटेंस भी हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं रोज़ रोज़ यह खा के तंग आ गया हूँ। मैं रोज़ रोज़ तुम्हारी बकवास सुनकर तंग आ गया हूँ। मैं यह फिल्म देखकर तंग आ गया हूँ। अगर हमको इस तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश में बनाना है तो चलिए देख लेते हैं इनके स्ट्रक्चर्स क्या होगा। तंग आ गया हूँ को इंग्लिश में बोलते हैं फेड अप ऑफ। इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हमको यूज़ करना है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन फेड अप ऑफ, उसके बाद वर्ब की आईएजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। मैं रोज रोज यह खाकर तंग आ गया हूँ। आई एम फेड अप ऑफ ईटिंग दिस एवरी डे। मैं रोज रोज तुम्हारी बकवास सुनकर तंग आ गया हूँ। आई एम फेड अप ऑफ लिसनिंग योर नॉनसेंस एवरी डे। मेरे कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था, मेरे पास समय ही समय था। इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करेंगे देयर वॉज नथिंग बट। एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था, देयर वॉज नथिंग बट डार्कनेस इन द रूम। खाने में केवल सलाद ही सलाद था, देयर वॉज नथिंग बट सैलड इन मेन्यू। मेरे पास समय ही समय था, देयर वॉज नथिंग बट टाइम आई हैड। नेक्स्ट टाइप के जो हम सेंटेंसेस सीखने वाले हैं वो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आइंदा से मुझसे बात मत करना, आइंदा से मैं यह गलती नहीं करूँगा, आइंदा से मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम एक फ्रेज यूज़ करेंगे एज फॉर नाउ। एग्जाम्पल देखते हैं। आइंदा से मुझसे कभी बात मत करना, या फिर आगे से मुझसे कभी बात मत करना। एज फॉर नाउ डोंट इवन टॉक टू मी। आइंदा से यह गलती दोबारा नहीं करूँगा। एज फॉर नाउ आई विल नॉट डू दिस मिस्टेक अगेन। आइंदा से मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। एज फॉर नाउ डोंट इवन शो मी योर। आइंदा से तुम मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करोगे। एज फॉर नाउ यू विल नॉट टॉक टू मी एट। कई बार हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, लाइक तुम तो रहने ही दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो रहने ही दो, तुम ये नहीं कर पाओगे। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं। तुम तो रहने ही दो, इसके लिए हम यूज़ करेंगे यू लेट इट बी प्लस सेंटेंस। तुम तो रहने ही दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। यू लेट इट बी, यू विल नॉट एबल टू डू दिस। तुम तो रहने दो, तुम नहीं गा पाओगे। यू लेट इट बी, यू विल नॉट एबल टू सिंग। तुम तो रहने दो, तुम ये गेम नहीं जीत पाओगे। यू लेट इट बी, यू विल नॉट एबल टू विन दिस गेम। आई होप अब आप इस तरह के सेंटेंसेस को आसानी से बना पाएंगे। तुम तो रहने ही दो, तुम उसे प्रपोज नहीं कर पाओगे। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी।